दौलतपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे एक ट्रक को पकड़कर ट्रक से भारी मात्रा में तस्करी के लिए ले जा रहे गांजे को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दौलतपुरा थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि पुलिस उपायुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के आदेश अनुसार अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने और एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन व विक्रय को रोकने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना के धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दौलतपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी में एक ट्रक को पकड़कर ट्रक से 3 क्विंटल 58 किलो 750 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने तस्कर संदीप उर्फ टोपी बलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कोटा से रोहतक तक ले जाना बताया। वहीं आरोपियों ने सब्जी के प्लास्टिक के कैरेट के साथ यह अवैध मादक पदार्थ छुपा रखा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा। फिलहाल पुलिस पकड़े हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।